हेलो एवरीवन वेलकम टू केनी स्टडीज़ आज है ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 इज रिलीज बाय विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट ट्वेंटी निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है आपके ऑप्शनस हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट जिसे हम ओ कहते हैं यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या फिर नन ऑफ दीज और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट ट्वेंटी ये जारी किया जाता है यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं द यूरोपियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी इज अ कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक्स टू द रिसर्च ऑन टैक्स अवॉइडेंस टैक्स एवेशन एंड एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइज यूरोपीय यूनियन पॉलिसी मेकर्स अकॉर्डिंगली टैक्स ऑब्जर्वेटरी विल सपोर्ट यूरोपीय यूनियन पॉलिसी मेकिंग थ्रू कटिंग एज रिसर्च एनालिसिस एंड डाटा शेयरिंग इसके साथ ही यूरोपियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो इट इज लेड बाय प्रोफेसर गैब्रियल जुकमैन एंड इट इज फंडेड बाय द यूरोपीय यूनियन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू रीच टू थाउजेंड रन इन ओडीआई क्रिकेट आपसे पूछा जा रहा है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दो रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं आपके ऑप्शन हैं श्रेयस अय्यर लोकेश राहुल सुभमन गिल या फिर विराट कोहली और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऐसा करने वाले जो बल्लेबाज हैं वो हैं सुभमन गिल तो आप यहां देख सकते हैं इंडियाज ओपनर सुभमन गिल सेट अ रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फास्टेस्ट बैटर टू रीच टू थाउजेंड रन इन ओरियाई क्रिकेट

एट द टॉप ऑफ़ द लिस्ट वेन इट कम्स टू सीकिंग सिटीजनशिप इन वेल दी ओ ई सी डी नेशंस आपसे पूछा जा रहा है ओ ई सी डी देशों में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से देश की नागरिक सूची जो है वो सर्वश्रेष्ठ है आपके ऑप्शन हैं रशिया इंडिया पाकिस्तान या फिर चाइना और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इस नागरिक सूची में जो टॉप प्लेस पर जो देश है वो है भारत so आप यहां देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओई सीरीज इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट इंडिया मेंटेन्ड इट्स टॉप पोजिशन एज द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट नेशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी इसके साथ ही चाइना एंड रोमानिया फॉलोड इंडिया विद टू लैख एटी थ्री थाउजेंड एंड टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड इमिग्रेंट्स रिस्पेक्टिवली दीज एक्जिशन टुक प्लेस मोस्टली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैन ऑस्ट्रेलिया एंड आफ्टर दैट कैनेडा ओ ई सी डी की बात करें जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट कहते हैं तो ये एक ग्रुप है थर्टी एट कंट्रीज़ का मोस्ट ऑफ विच आर हाई इनकम एंड रैंक्ड वेरी हाई ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसे इसमें देश शामिल हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एट विच प्लेस द सिक्सटी सेवेंथ धर्म चक्र प्रवर्तन डे इज सेलिब्रेटेड आपसे पूछा जा रहा है सिक्सटी सेवनवा धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस किस स्थान पर मनाया गया आपके ऑप्शन हैं गया लुम्बिनी सांची या फिर नागपुर और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ये मनाया गया है नागपुर में सो so आप यहाँ देख सकते हैं ऑफ अप एट दीक्षा भूमि इन नागपुर टू द सिक्सटी सेवेंथ धम चक्र प्रवर्तन दिवस एवरी ईयर दिस दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर फोर्टीन वेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इम्बाग्ड बुद्धिज्म इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स दीक्षाभूमि स्टैंड्स एस अ लिविंग टेस्टामेंट टू डॉक्टर अंबेडकरस लेगेसी ड्राइंग डिवोटीज एंड एडमायर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू पे होमिस टू हिज मोनोमेंटल कंट्रीब्यूशंस इसके साथ ही मॉन्क धम्म रत्न थेरो जो कि श्रीलंका से संबंध रखते हैं ये चीफ गेस्ट रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 67th धम्मचक्र प्रवर्तन डे तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन नागपुर में किया गया और इसमें चीफ गेस्ट रहे हैं धम्म रत्न थेरू जो कि मॉन्क हैं श्रीलंका के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर व्हिच स्टेट स्टार्टअप रिसेंटली अनवील्ड द बिकम विक्रम 1 रॉकेट शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन अर्ली 2024 आपसे पूछा जा रहा है 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने वाले विक्रम वन रॉकेट का अनावरण किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जाएगा जिसे हाल ही में शुरू किया गया है आपके ऑप्शन हैं स्काई रूट एरोस्पेस पिक्सल अग्निकूल कॉस्मोस या फिर ध्रुव स्पेस आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो इसका अनावरण करेगी या लॉन्च करेगी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऐसी करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी है स्काई रूट एरो स्पेस यहाँ देख सकते हैं स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस विच क्रिएटेड हिस्ट्री बाई सेंडिंग इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस स्पेस लास्ट ईयर एंड इज गियरिंग अप टू फायर इट्स फर्स्ट ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल

यूनियन मिनिस्टर अमित Shah इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट nano DAP plant at प्लांट एट विच लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डी ए पी संयंत्र का उद्घाटन किया है आपके ऑप्शन हैं लखनऊ गांधीनगर भोपाल या फिर सूरत और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है गांधीनगर गुजरात में आप देख सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एंड कॉरपोरेशन अमित शाह इनोग्रेटेड इफको नैनो डीएपी प्लांट एट कलोल इन गांधीनगर गुजरात सो so, नैनो यूरिया इज स्प्रेड नॉट ऑन द ग्राउंड बट ऑन द्लाट्स एंड ड्यू टू दिस देर इज जीरो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स और द अर्थ वार्मस प्रेजेंट इन दॉयल इफ्को की जो कलोल यूनिट है उसकी बात करें तो इट विल प्रोड्यूस अबाउट फोर्टी टू लैक बॉटल्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड नैनो डी ए पी विच विल बेनिफिट द फार्मर्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर सो वेन इट वॉज फॉर्म्ड आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष चौबीस अक्टूबर को मनाया जाता है आपको बताना है कि इसका गठन कब किया गया है आपके ऑप्शन हैं 1958, 1945, 1939 या फिर 1948 और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को और इसका गठन किया गया है नाइनटीन फोर्टी एट को सो so आप यहाँ देख सकते हैं इट इज ऑब्जर्व टू मार्क द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव सो ट्वेंटी अक्टूबर हैज बिन सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे सिंस नाइनटीन फोर्टी एट यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन कंट्रीज अचीविंग इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड बींग द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर द नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जिन्होंने ये नाम कॉइन किया है यूनाइटेड नेशंस एंड इट वॉज फर्स्ट यूज ऑन फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फोर्टी टू ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू तो आप ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को और इसको फॉर्म किया गया नाइनटीन फोर्टी एट में और इस नाम को क्वाइन किया है यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रेंकलिन डी रोजवेल्ट ने सो so, आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब